आईपीएल 2023 में आज का सुपर हिट मुकाबला खेला गया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, और इस मैच के खत्म होने के बाद आईपीएल के पॉइंट्स टेबल के इक्वेशन में काफी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो इस वीडियो में हम आपको आईपीएल का नया पॉइंट्स टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस साल कौन कौन सी चार टीमें प्ले ऑफ में जाएगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा, इसीलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज खेले गए मैच में आरसीबी की टीम का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हुआ था, और इस मैच के खत्म होते ही आईपीएल के पॉइंट्स टेबल के इक्वेशन में काफी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो पॉइंट टेबल में शुरुआत करेंगे 10वें स्थान से, तो यहां पे है सनराइजर्स हैदराबाद जिसने अभी तक इस सीजन में 13 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे सिर्फ 4 मैच में एसआरएच को जीत मिली, वहीं 9 मैच में एसआरएच को हार भी मिला। तो अभी एसआरएच 13 में से 4 मैच जीतने के चलते 8 अंक के साथ पॉइंट टेबल में बॉटम पे है, और एसआरएच का जो नेट रन रेट है वो -0.600 है, और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम प्लेऑफ के दौर से पहले ही बाहर हो चुकी है। वहीं पॉइंट टेबल में 9वें स्थान पे है दिल्ली कैपिटल्स, जिसने अभी तक इस सीजन में 13 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 5 मैच में तो दिल्ली जीत गई लेकिन 8 मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हार भी मिला। तो दिल्ली 13 में से 5 मैच जीतने के चलते 10 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 9वें स्थान पे है, और दिल्ली का जो नेट रन रेट है वो -0.572 है, और दिल्ली को अगर यहां पर से प्लेऑफ में जाना है तो उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। वहीं पॉइंट टेबल में 8वें स्थान पे है पंजाब किंग्स, जिसने अभी तक इस सीजन में 13 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे सिर्फ 6 मैच में पंजाब को जीत मिली, वहीं 7 मैच में पीबीकेएस को हार भी मिला। तो पंजाब की टीम 13 में से 6 मैच जीतने के चलते 12 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 8वें स्थान पे है, और पंजाब का जो नेट रन रेट है वो -0.308 है, और पंजाब की टीम भी आईपीएल के प्लेऑफ के दौर से लगभग डिस्क्वालीफाई कर चुकी। वहीं पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पे है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने अभी तक इस सीजन में 13 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 6 मैच में तो कोलकाता जीत गई लेकिन 7 मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को हार भी मिला। तो कोलकाता अभी 13 में से 6 मैच जीतने के चलते 12 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पे है, और कोलकाता का जो नेट रन रेट है वो -0.256 है, और कोलकाता की टीम आईपीएल के प्ले ऑफ के दौर से लगभग डिस्क्वालीफाई कर चुकी है। वहीं पॉइंट टेबल में 6वें स्थान पे है राजस्थान रॉयल्स, जिसने अभी तक इस सीजन में 13 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 6 मैच में तो राजस्थान जीत गई लेकिन 7 मैच में राजस्थान को हार भी मिला। तो राजस्थान 13 में से 6 मैच जीतने के चलते 12 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 6वें स्थान पे है, और राजस्थान का जो नेट रन रेट है वो +0.140 है, और राजस्थान को प्ले ऑफ में जाने के लिए सबसे पहले अंतिम मैच को विन करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी राजस्थान की टीम अदर टीमों के रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। वहीं पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पे है मुंबई इंडियंस, जिसने अभी तक इस सीजन में 13 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 7 मैच में तो मुंबई जीत गई लेकिन 6 मैच में मुंबई इंडियंस को हार भी मिला। तो फिलहाल मुंबई 13 में से 7 मैच जीतने के चलते 14 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पे है, और मुंबई का जो नेट रन रेट है वो -0.128 है, और मुंबई को अगर प्ले ऑफ का दरवाजा खोलना है तो इनको अपना अंतिम मैच में हैदराबाद को हराना होगा, और इसके साथ ही प्रे करना पड़ेगा कि आरसीबी अपना अंतिम मैच हार जाए। वहीं पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पे है आज के मैच में जीत जाने वाली टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और आरसीबी ने अभी तक इस सीजन में 13 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 7 मैच में आरसीबी जीत गई लेकिन 6 मैच में आरसीबी को हार भी मिला। तो आरसीबी 13 में से 7 मैच जीतने के चलते 14 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पे है, और आरसीबी का जो नेट रन रेट है वो +0.200 है, और आरसीबी टीम को अगर प्ले ऑफ का दरवाजा खोलना है तो इनको रिमेनिंग एक में से एक मैच जीतना पड़ेगा, यानी कि अपने अंतिम मैच में गुजरात को हराना पड़ेगा। वहीं पॉइंट टेबल में 3रे स्थान पे है लखनऊ सुपर जायंट, जिसने अभी तक इस सीजन में 13 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 7 मैच में तो लखनऊ जीत गई लेकिन इनका एक मैच रद्द भी हो गया, वहीं 5 मैच में एलएसजी को हार भी मिला। तो लखनऊ 13 में से 7 मैच जीतने के चलते 15 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 3रे स्थान पे है, और लखनऊ का जो नेट रन रेट है वो प्लस
0.304 है। और अगर लखनऊ को प्ले ऑफ का दरवाजा खोलना है तो इनको रिमेनिंग एक में से एक मैच विन करना पड़ेगा। वहीं पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पे है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने अभी तक इस सीजन में 13 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 7 मैच में चेन्नई जीत गई, एक मैच इनका रद्द हो गया। वहीं 5 मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हार भी मिला। तो चेन्नई 13 में से 7 मैच जीतने और एक मैच रद्द खेलने के चलते 15 अंक के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पे है। और चेन्नई का जो नेट रन रेट है वो +0.381 है। और अगर चेन्नई को प्ले ऑफ का दरवाजा खोलना है तो इनको रिमेनिंग एक में से एक मैच विन करना पड़ेगा। वहीं पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर है गुजरात टाइटंस, जिसने अभी तक इस सीजन में 13 मैचों में पार्टिसिपेट किया, जहां पे 9 मैच में तो गुजरात जीत गए, लेकिन 4 मैच में गुजरात को हार भी मिला। तो अभी गुजरात 13 में से 9 मैच जीतने के चलते 18 अंक के साथ पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर है। और गुजरात का जो नेट रन रेट है वो +0.835 और गुजरात की टीम प्ले ऑफ में जा चुकी है। तो हमारे अकॉर्डिंग गुजरात के बाद चेन्नई लखनऊ के हाईली चांस है प्ले ऑफ में जाने के। और फोर्थ पोजीशन के लिए आरसीबी, एमआईआरआर और पंजाब किंग्स में तगड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो आपके हिसाब से गुजरात के बाद कौन सी 3 टीमें प्ले ऑफ में जाएगी, तीनों टीमों का नाम कमेंट में बताएं।